लेट अस से एन वी आर हैविंग, इसमें भी मैंने कोशिश किया कि एक शब्द बनाओ लूहा, एल यू एच ए, क्या है लूहा, एल यू एच ए. सो नेचर बेस्ड में यू आर हैविंग अगेन फोर सब हेडिंग्स एल यू एच ए. सो अंडर सेकेंडरी यू आर हैविंग फोर एन आई एम ओ निमो, याद रख सकते हैं नेचर इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड ऑब्जेक्ट. एंड अंडर एन यू आर हैविंग लूहा एल यू एच ए. एल मतलब क्या है, एन क्या है, नेचर, कौन सी जगह पे अपने काम कर रहे हैं, जमीन पे अपने काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लैंड बेस्ड सर्वेइंग. सो द नेम ऑफ द सर्वेइंग इज लैंड सर्वेइंग एल. अभी अपने अंडरग्राउंड में काम करते हैं, सो देन दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड सर्वेइंग, देन दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड सर्वेइंग. अब आपने वाटर रिसोर्स रिलेटेड भी आपने सर्वे कर रहा है, हाइड्रो, हाइड्रोग्राफिक कहते हैं, हाइड्रोलिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स. तो हाइड्रा मीन्स वाटर है, हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों एक ही है, बस फर्क यह है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आप एम्फोसिस इज ऑन बोथ वाटर एंड अदर फ्लूइड्स आल्सो, बट इन हाइड्रोलिक्स द एम्फोसिस इज मोर इज ऑन वाटर. सो दैट वी विल डिस्कस लेटर, वी विल सी द अंडरग्राउंड दैट मीन्स एल यू, देन एच मीन्स हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एल यू एच ए मीन्स एरियल सर्वे, एरियल सर्वे, एरियल मीन्स एरियल, हवा में जो सर्वे हो रहा है एरियल सर्वे. इसमें फोटोग्रामेट्री आता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स आता है, जीएस जीपीएस बेस्ड जो काम होती है, ये सब लेटर विल सी क्या क्या है. सो दैट मीन्स अगेन मेरी मकसद ये था कि यू कैन, यू शुड बी इन ए पोजिशन टू रिमेंबर ऑल द सर्वे नेम सो दैट यू कैन राइट ऑल द नेम्स इन द एग्जामिनेशन. वो आपको याद रहता है बट यू मे फॉरगॉट इन द एग्जामिनेशन. सो अंडर बेस्ड ऑन नेचर यू आर हैविंग फोर सर्वे. सो लूहा एक नाम याद रख लो यार, लैंड पे हो गया जो सर्वे तो लैंड सर्वेइंग है, अंडरग्राउंड में कर रहे तो अंडरग्राउंड सर्वेइंग है, वाटर रिलेटेड है तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग हो गया, और ए का मतलब एरियल सर्वेइंग है. इसे चार आपको पता होना जरूरी है. अब इसमें अंडर लैंड में भी, लैंड जो सर्वेइंग भी होता है इसमें अलग अलग सर्वेस करते हैं लैंड सर्वे में. सो देर आर डिफरेंट सर्वेस है बट चार नेम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें भी मैंने वो चारों नाम के लिए एक वर्ड यूज़ किया, टेक, टी ई सी सी, यहाँ टेक मतलब टी ई सी एच नहीं रखा, टी ई सी सी. सो इसमें हम लोग क्या क्या सर्वे करते हैं, टीफर टोपोग्राफिकल सर्वे, ईफर इंजीनियरिंग सर्वे, एंड सीफर कैडेस्ट्रल सर्वे, एंड सीफर सिटी सर्वे. ये सब लैंड में होता है, जमीन पे होता है. सो दैट मीन्स टी हियर, सो हियर टी स्टैंड्स फॉर, सो यहां टेक का डेफिनेशन हम लोग दे रहे हैं, टेक. सो टी स्टैंड्स फॉर टोपोग्राफिकल, प्लीज बेयर विथ माई हैंड राइटिंग, टोपोग्राफिकल, एंड ई फॉर इंजीनियरिंग, एंड सीफर कैडेस्ट्रल, याद आ रहा है कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है, जो बाउंड्रीज बनाने के लिए जो होता है, एंड वही सर्वे जब हम सिटीज में करते हैं तो दैट इज सिटी सर्वे. सो दीज आर द फोर सर्वेस अंडर लैंड सर्वेइंग, दैट इज टोपोग्राफिकल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, एंड सिटी सर्वे. एंड अंडरग्राउंड सर्वे में नॉर्मली यू कैन राइट अंडरग्राउंड सर्वेइंग, दैट इज सफिशियंट, बट इसमें आपको लिखनी है तो एम टी सी कहते हैं हम लोग. इसका मतलब है माइंस का हो या टनल्स का हो, केव्स का हो, दीज आर ऑल कम्स अंडर एम टी सी. एम इज माइन, एन इज टनल, सी फॉर केव. माइंस जो होते हैं कोल माइंस वगैरह में जो सर्वे हमें करना पड़ता है, तो माइन हो गया, टनल हो गया, टनल तो सब जानते हैं, केव, ये सर्वेस अंडरग्राउंड के अंदर आते हैं. एम टी सी, यहाँ टेक यूज किया हुआ है, एम टी सी यूज कर दिया. तो ये इवन आपने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मेथड CTM जैसा भी नाम याद रख लो ताकि आप लिख सकते हैं. देन अंडर हाइड्रोग्राफिक में ये वाटर रिलेटेड जो भी होता है, हाइड्रोग्राफिक के अलग से नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं. एंड अगेन एरियल सर्वे में जो भी हम लोग ये कह रहे था कि बेस्ड ऑन फोटोग्राफ्स, इसमें वी विल डिस्कस लेटर जब आते हैं एडवांस सर्वेइंग में देखेंगे, बट एरियल सर्वे में यही होता है कि जो भी इसमें एक कैमरा, कम से कम ये एज्यूम कर लीजिए कि अभी आपका मोबाइल है, उस मोबाइल में आपने यहाँ रखा तो यह ग्राउंड फीचर्स का आपने फोटो खींच रहे हैं, यही है एरियल सर्वे.
जैसे स्मॉल एरिया के लिए आपने सर्वे किया, बट इफ़ यू आर हैविंग एन हेलीकॉप्टर, इसके अंदर एक हाई प्रिसिशन वाला कैमरा है जिसने फोटोज निकाल रहे हैं, और ये GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ है, तो दैट सर्वे। सिंपल एग्जांपल, आपने ब्लूटूथ ऑन किया और अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी आपने ट्रैवल कर रहे हैं आपने ट्रैकिंग कर रहे हैं। हाउ दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एरियल सर्वेइंग ओनली। सो सर्वेइंग तो बेसिकली इनकी सिविल इंजीनियरिंग की मदर ब्रांच की सर्वेइंग है, बट इट इज़ हैविंग वाइड स्प्रेड अप्लीकेशन इन ऑल फील्ड्स। तो आज के टाइम में सर्वेइंग जो आ रहा है, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें BTech भी है, MTech भी है, PhD भी, सब आप कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंपली ये है कि सेकेंडरी में फर्स्ट पार्ट है नेचर ऑफ फील्ड, निमो। नेचर ऑफ फील्ड में ये है लुहा। लुहा मीन्स L फॉर लैंड, अंडरग्राउंड हाइड्रोग्राफिक एंड एरियल। अंडरलैंड टेक याद रख लो, टोपोग्राफिकल इंजीनियरिंग कैडेस्ट्रल एंड सिटी। अंडरग्राउंड में MTC याद रख लो, माइंस हो गया, टनल्स हो गया, केव्स हो गया। हाइड्रोग्राफिक मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, लेक्स है, रिजर्वायर्स है, कोस्टल लाइन्स है, दी आर ऑल कंसर्न दिस वन। एरियल सर्वे इज GPS बेस्ड, रिमोट सेंसिंग बेस्ड ये होता है। नाउ देन वी कम्स टू द इंस्ट्रूमेंटल वन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज इन सर्वेइंग वन वी डिस्कस मोर अबाउट instrument one, because we should know what are the instrument that we are going to use as far as surveying based on instruments. So based on instrument, हमें कोई एक technical word मुझे बन नहीं पा रहा था, but based on the instruments, जो simple instruments से लेते हुए जितनी high precision या complicated और अच्छा methodology जो use करके करते हैं, so based on that we divided that instruments, उस इंस्ट्रूमेंट्स पे जो सर्वे हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वेस बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। मैं कोशिश कर रहा था इसमें, यू कैन रिमेंबर CCL PTTETS, इफ यू कैन रिमेंबर इट इज गुड। CCL PTTETS कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, चाहे सर्वेइंग है, कोई भी सब्जेक्ट है, इसमें व्हेन यू हैव टू राइट सो मेनी थिंग्स, यू ट्राई टू फॉर्म ए वर्ड बेस्ड ऑन साइड हेडिंग्स, देन यू कैन राइट द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब इतनी मेथड्स हैं, इसमें क्या है, एक फंडामेंटल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हमारे सर्वे शुरुआत होते हैं, दैट इज कॉल्ड चेन। हम सब जानते हैं चेन सर्वेइंग है, सो इसलिए पहले से हो गया चेन हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द लीनियर मेजरमेंट्स। Then you are having compass. आपकी watches वगैरह में भी, mobile में भी compass होते हैं, it is to show the north direction basically. But जो compass हम use कर रहे हैं, that is basically prismatic compass है। इसमें हम लोग जो लेते हैं bearings हैं, और bearing से हम लोग angles calculate करते हैं। So जो bearing हमें मिल रहे हैं, that is called direct measurement, और bearing से हम angle calculate करते हैं, that is called indirect measurement. तो पहले क्लास में हम लोग बताया था कि direct और indirect क्या होता था। चेन हो गया, कंपास हो गया, इसके बाद हम किसी भी पॉइंट का हाइट लेनी है, सो दैट इज कॉल्ड लेवलिंग, लेवल बेस्ड सर्वेइंग, और सिंपली कॉल्ड लेवलिंग सर्वेइंग। इसके बाद फर्स्ट क्लास में हम लोग ये बताया गया कि हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट, इन चीज़ों में क्या हो रहा है, चेन हो या कंपास हो या लेवल हो, फील्ड में हम लोग जा रहे हैं, एक वाइट पेज है ना, तो फील्ड बुक है वो खाली है, कुछ में भरा कुछ नहीं है, और वहाँ हम लोग जो भी काम कर रहे हैं रीडिंग्स इसमें एंटर कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट घर पे या लैब पे आके कैलकुलेशंस कर रहे हैं। वेरियाज एक ऐसी मेथड है जिसमें आपने प्लेन टेबल, उन्हें कहते हैं कि उन्हें आप जाके फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ ही प्लाटिंग हो रहा है, वहाँ पूरी काम हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड पी फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। इट इज़ नथिंग बट ए सिंपल प्लेन टेबल, इसमें ड्राइंग शीट यूज होती है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेके हम काम करते हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन द लैब एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल। प्लेन टेबल हो गया, देन कम्स द एडवांस इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज कॉल्ड थियोडोलाइट That we will discuss, but in later stages. So that means theodolite use करके जो survey कर रहे हैं, that is called theodolite surveying. And if you use an instrument called tachyometer, TACHEOMETER, tachyometer, then that survey is called tachyometric survey. And electronic distometers हैं या electronic distance measurement devices हैं, वो use करते हैं, that is called EDM. So that is called EDM based surveying. And there is another advanced equipment है जो यूज़ होते हैं, टोटल स्टेशन, वो सर्वे टू में हम पढ़ेंगे इनकी डिटेल्स। टोटल स्टेशन एक इंस्ट्रूमेंट है और उससे आप लोग काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्वे बेस्ड ऑन टोटल स्टेशन। एंड आजकल जो आ रहा है स्पेस सर्वेस या सैटेलाइट बेस्ड सर्वेइंग्स आता है, सैटेलाइट बेस्ड
सेटेलाइट बेस्ड सर्वेंस, दैट इज एस एस फॉर सेटेलाइट, और यू कैन कॉल इट एज स्पेस बेस्ड सर्वे ऑल्सो. सो अंडर इंस्ट्रूमेंट यू कैन रिमेंबर CCL, से यू जस्ट रिकलेक्ट CCL, PTT, ETS, CCL, PTT, ETS, बस आ गया. चेन कंपास लेवलिंग, प्लेन टेबल थ्योरलाइट टैक्योमीटर, EDM टोटल स्टेशन सेटेलाइट बेस्ड. सो दीज आर द सर्वेज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट. ये हमें सर्वे वन में चेन कंपास लेवलिंग प्लेन टेबल दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन शो ऑल दीज रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो सो दैट यू कैन स्टडी इन लेटर स्टेजेस. नाउ द थर्ड वन. सो अंडर सेकेंडरी पहले वाला क्लासिफिकेशन हो गया, ये पे ये था, ये बी है. अब अंडर सी क्या है? मेथड बेस्ड. वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ड ऑन मेथड. मेथड बेस्ड में क्या क्या चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं. सो नाउ अंडर मेथड बेस्ड मैंने सिंपली याद रखा 5TL, मतलब 5T मतलब T पांच बार आएगा, एक बार L आएगा, 5TL मतलब इसमें कितना मेथड्स आ जाएंगे आपको अननोइंगली, 6 मेथड्स अपने आप आ गया. 5TL ये मेथड है, मींस आपने सर्वे करनी है, लेकिन कौन सी मेथड अपनाता है उस बेसिस पे उनकी नाम बदल जाती है. एंड इफ़ यू आर डूइंग ए मेथड नोन एज, इफ़ यू आर यूजिंग ए मेथड, पूरी एरिया को अपने ट्रायंगल्स में डिवाइड करके काम करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन. सिंस इट इज एन इंट्रोडक्शन, यू को एक आइडिया होना चाहिए. ट्रायंगुलेशन मींस नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्रायंगल्स. जो भी एरिया ऑफ सर्वे आपने पूरा ट्रायंगल्स में बना दिया, और एक लाइन आपको पता है इन्हें कहता है बेस लाइन है, दो एंगल आपको पता है तो ट्रायंगल बन जाएंगे, फिर बाकी डिस्टेंसेस निकाल देंगे फार्मूला यूज करते हुए, फिर आगे बढ़ते जाएंगे. दैट इज कॉल्ड बेसिकली ट्रायंगुलेशन. वी विल डिस्कस लेटर स्टेजेस इन डिटेल. 1T हो गया, 5T में 1T तो हो गया ट्रायंगुलेशन. दूसरा से क्या होता है? ट्राई लेटरेशन. वो क्या होता है? यही ट्रायंगुलेशन है वन में, बट डिफरेंस क्या है? ट्रायंगुलेशन में आपको सिंपल एक बेस, एक लाइन की डिस्टेंस आपको चाहिए, और दो एंगल चाहिए, यहाँ अल्फा लेट से बीटा, दो एंगल है. बट ट्राइलेटरेशन में तीनों डिस्टेंसेस आपने ट्राइंगल का नाप रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मेजरिंग द 3 डिस्टेंसेस ऑफ द ट्राइंगल, और काम करते जाएंगे, दैट कम्स अंडर ट्राइलेटरेशन. सो जहाँ आपको जरूरत पड़ गई है तो ट्राइंगुलेशन मेथड यूज़ कर रहे, तो दैट सर्वे इज नोन एज ट्राइंगुलेशन सर्वे, या ट्राइलेटरेशन आप यूज़ कर रहे तो ट्राइलेशन. देन यू आर हैविंग ए सर्वे, द नेम ऑफ दैट सर्वे इज ट्रैवर्सिंग सर्वे. ट्रैवर्स मतलब क्या है? ट्रैवर्स का सिंपल मीनिंग होती है एक पाथ आपने अपनाया, यहाँ से घर तक जाने में आपने जो रूट पे जा रहे हैं, दैट रूट इज नथिंग बट ए ट्रैवर्स. अब किसी ने कहा है कि बिल्डिंग प्लान बना दीजिए, तो बिल्डिंग क्या होता है? क्लोज्ड पार्ट है. एक पॉइंट पे शुरू किया आपने, काम करते करते वापस आप उसी पॉइंट पे आ गया, तो क्लोज कर दिया, दैट इज ए क्लोज्ड ट्रैवर्स. नए रोड वर्क कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक आप जा रहे हैं, तो ABCD, सो दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग. ट्रैवर्सिंग इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो ए ट्रैवर्स. जैसे आपने ABCDEF ऐसे कैलकुलेट किया, ABCDEF ऐसे कुछ आपको बनानी है, क्या डिस्टेंस वगैरह मेजर करनी है, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैवर्स, क्योंकि ए से लेकर आप एफ तक जानी है. इट इज और ऐसा ही कोई एक फिगर आपका आ गया, एक ट्राइंगल बनानी है आपको ABC. इसमें क्या था? ए से आपने काम शुरू किया, बी पे गया, सी पे गया, वापस ए पे आ गया है, वो भी ट्रैवर्स ही है. इन रिलेटेड इस टाइप ऑफ मेथड का जरूरत पड़ गया तो हमें उन्हें कहते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड से किया, तो 3T हो गया. और इसमें क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में भी टैक्योमेट्री आते हैं, बट टैक्योमेट्री के एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पे काम होते हैं, तो देन दैट इज कॉल्ड एज टैक्योमेट्रिक मेथड. टैक्योमेट्री प्रिंसिपल जहाँ यूज हो रहा है, इसलिए इट इज कम्स अंडर दिस वन टैक्योमेट्री. और नहीं है कुछ ऐसे सर्वेस, ऐसे लेवलिंग्स आपको काम करना पड़ता है जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स आपको यूज करना पड़ता है, तो इसलिए उस मेथड को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, उसे कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेइंग. और ये तो 5T हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, देन फिफ्थ वन हम कह रहे हैं कि L है, तो L इज लेवलिंग. लेवलिंग भी एक मेथड है, इस मेथड को आप अपना रहे तो ये लेवलिंग मेथड है. सो दीज आर द 5, और भी ऐड कर सकते हैं, बट वी कंसिडर 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स: ट्राइंगुलेशन, ट्राइलेटरेशन, ट्रैवर्सिंग, टैक्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड लेवलिंग. ये दीज आर ऑल बेस्ड ऑन मेथड्स.
and the final one, that is based on object, based. इसमें भी बहुत मेथड्स हैं, उसके लिए मैंने ये कोशिश किया हूँ कि हाउ टू रिमेंबर दिस मैनी मेथड्स. सो आपने सिंपल एक वर्ड यूज़ कर लीजिए, ग्रामर, GRAMMER, ग्रामर. और आपके घर पे खाना जो बनते हैं गैस स्टोव पे, उस पर उसका नाम क्या है, LPG. तो ग्रामर, LPG, इतनी नाम आप याद रखोगे तो यू आर इन ए पोजिशन टू से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइप्स ऑफ सर्वे नेम्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट यू कैन राइट. So today we'll complete our class at this juncture, that is based on object based surveying. So G for geographical, survey. क्योंकि आपका जियोग्राफिकल मैप्स बनानी है, वो ऑब्जेक्ट आपके है कि भाई जियोग्राफिकल मैप बना दीजिए, तो आपको जियोग्राफिकल सर्वे बनानी है. देन एक काम कभी आपका होता है इनिशियल सर्वे में, जो काम होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉनसेंस सर्वे. इनकी डिटेल्स जो है नेक्स्ट चेन सर्वेइंग में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे. मीन्स कोई भी एक प्रोजेक्ट शुरू करनी है, सर्वेइंग शुरू करने से पहले कोई भी सर्वे, चाहे चेन यूज़ करो, कंपास यूज़ करो या टोटल स्टेशन यूज़ करो, उसमें इनिशियली उस एरिया पे जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन हम लोग जब करते हैं, अप्रॉक्सीमेट जो सर्वे करते हैं, एंड दैट इज टेक्निकली नोन एज रिकॉनसेंस सर्वे. तो रिकॉनसेंस सर्वे करना, आपका ऑब्जेक्ट आपको बोला यार रिकॉनसेंस सर्वे करके आ जाइए, तो दैट ऑब्जेक्ट इज यू टू प्रिपेयर द रिकॉनसेंस सर्वे. तो रिकॉनसेंस सर्वे आपका ये होगा, जियोग्राफिकल रिकॉनसेंस. ये एक आर्कियोलॉजिकल मैप्स वगैरह बनाने के लिए आपको कहा गया, तो देन ए स्टैंड्स फॉर आर्कियोलॉजिकल सर्वे. आर्कियोलॉजिकल आपकी पर्पज है, तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे. नहीं है डिफेंस सेक्टर में बुलाया गया और आपका ऑब्जेक्ट है मिलिट्री मैप्स या डिफेंस मैप्स बनानी है, तो आप ये कह सकते हैं कि मिलिट्री सर्वे. एंड माइनिंग में बुलाया गया, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज माइनिंग रिलेटेड मैप्स हैं, तो माइनिंग, GRAMMER. तो इंजीनियरिंग सर्वे है, तो ई फॉर इंजीनियरिंग. कोई भी रूट बनानी है तो रूट सर्वे, ROUT है, ROUT, रूट, रास्ता बनानी है तो रूट सर्वे है. और अब एल फॉर, किसी ने बोला यार लोकेशन मैप बना दीजिए, तो लोकेशन सर्वे आपको करना पड़ेंगे, एल फॉर लोकेशन मैप. और कभी ये कहेंगे रिकॉनसेंस डिफरेंट है और प्राइमरी सर्वे या प्रिलिमिनरी, सॉरी प्राइमरी नहीं, प्रिलिमिनरी सर्वे आप कर लीजिए, तो P stands for प्रिलिमिनरी सर्वे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो कहते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे. एंड फाइनली जियोलॉजिकल सर्वे, G stands for जियोलॉजिकल सर्वे. सो दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट बेस्ड. ऑब्जेक्ट बेस्ड में हम कितने कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नेम हम कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो जी फॉर जियोग्राफिकल सर्वे, जियोग्राफिकल मैप में काम आती हैं, या तो रिकॉनसेंस सर्वे करनी है, इनिशियल सर्वे जो होते हैं वो है, देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइनिंग, इंजीनियरिंग सर्वे, रूट सर्वे या लोकेशन सर्वे, लोकेशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड जियोलॉजिकल सर्वे. सो दिस इज हाउ we divide or classify the surveying. So basic classification surveying is of two types. One is of plain survey and geodetic survey, that is called as primary survey, or that is survey based on accuracy, plain survey and geodetic survey. And based on secondary, you are having four categories, NIMO, NIMO, that is nature of the field, instrument based, method based and object based. Under NIMO, under instrument, under method, under object, different methods are there. So if anyone asks you what is the, explain in detail the classification of survey for 10 marks, or each survey ke bare mein kabhi ek do mark ke liye pooch sakta hai, so you should have a complete idea. So this is sufficient for this class. Thank you.